हेलो फ्रेंड्स, विजुअल डिजाइनर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डिंपल दलाल और आज हम एक स्किन प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आमतौर पर एक्जिमा कहा जाता है और विशेष रूप से एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। हम इसके कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन होम्योपैथिक रेमेडी। The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. Atopic dermatitis को अक्सर eczema या atopic eczema कहा जाता है। असल में eczema उन group of conditions को कहते हैं जिससे skin inflamed होती है। Eczema आपकी त्वचा पर allergic reaction की तरह है। एलर्जी ट्रिगर के रिस्पॉन्स में आपकी त्वचा सूज जाती है। बहुत से लोग जिन्हें एक्जिमा होता है उन्हें कई चीज़ों से एलर्जी भी होती है, जैसे कि पोलन, मोल्ड, एनिमल फर, डस्ट या घर में उपयोग किए जाने वाली चीज़ें जैसे कि डिटर्जेंट या परफ्यूम। एक्जिमा के कई प्रकार होते हैं और एटोपिक डर्मेटाइटिस इसका सबसे कॉमन टाइप है। एटोपिक शब्द एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण होने वाली डिसीज को रेफर करता है और डर्मेटाइटिस शब्द स्किन की कंडीशन से संबंधित होता है। तो पहले समझते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स को। एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारे शरीर का हाइपरसेंसिटिव इम्यून रिएक्शन है उन चीज़ों के प्रति जो सामान्य रूप से हार्मलेस होते हैं या जो सभी में इम्यून रिस्पॉन्स नहीं लाते। ये तब होता है जब इम्यून सिस्टम एक हार्मलेस सब्सटेंस के प्रति ओवर रिएक्ट करता है। हम इस हार्मलेस सब्सटेंस को एलर्जन कहते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम है हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस जैसे एनिमीज से हमारे शरीर की रक्षा करना। लेकिन जब वह ऐसे पदार्थों के साथ युद्ध करता है जिनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। उदाहरण के लिए मूंगफली, अंडे या पोलन एलर्जिक रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं। हियर द रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड इज कॉल्ड एलर्जी एंड कॉजिंग एजेंट लाइक पोलन इज कॉल्ड एलर्जन। कई टाइप के एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकते हैं और एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा उनमें से एक है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ऑल्दो एटोपिक डर्मेटाइटिस स्किन पे होने वाला एक एलर्जिक रिएक्शन है, लेकिन एलर्जी इस बीमारी का कारण नहीं है। एटोपिक डर्मेटाइटिस आमतौर पर अन्य एलर्जिक डिसऑर्डर से जुड़ा होता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले 60% लोगों को अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है और 30% लोगों को फूड एलर्जीज हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि यदि एलर्जी से एटोपिक डर्मेटाइटिस नहीं होता है तो फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस होने का कारण क्या है? एटोपिक डर्मेटाइटिस का कॉज अननोन है। हेल्दी स्किन नमी बनाए रखने में मदद करती है और हमारे शरीर को बैक्टीरिया, इरिटेंट्स और एलर्जन से बचाती है। अल्टर्ड स्किन बैरियर के कारण एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ड्राई स्किन एटोपिक डर्मेटाइटिस से एसोसिएटेड है। तो चलिए फोकस करते हैं अनहेल्दी और ड्राई स्किन के कारणों पर। रिसर्च से पता चला है कि जीन वेरिएशन की वजह से स्किन की मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता अफेक्ट होती है और इसीलिए बैक्टीरिया, इरिटेंट्स और एलर्जन से प्रोटेक्शन नहीं हो पाता। एटोपिक डर्मेटाइटिस किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एलर्जीज, हे फीवर या अस्थमा की पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री है तो आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस होने की अधिक संभावना है और इसीलिए आपको उन कंडीशंस के बारे में ज़्यादा सावधान रहना होगा जो एटोपिक डर्मेटाइटिस को ट्रिगर कर सकते हैं। तो आइए देखें कि एटोपिक डर्मेटाइटिस किस वजह से ट्रिगर होता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस के फ्लेयर अप्स के कई ट्रिगर्स हो सकते हैं, लेकिन कॉमन लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। लंबे समय तक गर्म पानी से नहाना, स्क्रैचिंग यानी खरोचना, पसीना आना, गर्मी लगना, ठंडा और ड्राई मौसम, साबुन, डिटर्जेंट और क्लीनर्स, ऊनी और सिंथेटिक कपड़े, फिजिकल इरिटेंट्स जैसे डर्ट, सैंड, स्मोक, एलर्जेंस जैसे कि पोलन, डैंडर, डस्ट, केमिकल्स के साथ कॉन्टैक्ट, परफ्यूम्स और डाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, स्ट्रेस और कुछ फूड एलर्जीज जैसे कि एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हीट एंड नट्स।
आइए अब देखते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस को अक्सर द ईच डेट रैशेस ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बीमारी त्वचा पे खुजली से शुरू होती है। खुजली होने पे त्वचा को खरोचने से रैशेस दिखाई देने लगते हैं। इन रैशेस में भी बहुत इचिंग होती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस आपकी स्किन के किसी भी हिस्से में और किसी भी उम्र में डेवलप हो सकता है। ये बीमारी अक्सर 5 साल की उम्र से पहले शुरू होती है और एडोलेसेंस और एडल्टहुड तक बनी रह सकती है। कुछ लोगों में ये बीमारी पीरियडिकली होती है और फिर कुछ समय के लिए या कई वर्षों के लिए ठीक भी हो जाती है। हालांकि कुछ स्पेसिफिक एज में ये बीमारी आपके शरीर में कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर दिखाई देगी और उनका एक यूनिक अपीयरेंस होगा। तो लाइफ के हर एक स्टेज में क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। हम यहाँ पे शिशुओं में, बच्चों में और एडल्ट्स में पाए जाने वाले सिम्टम्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिशुओं में पाए जाने वाले सिम्टम्स के बारे में। शिशुओं में रैशेस अक्सर सिर पर और चेहरे पर डेवलप होते हैं, खास करके गालों पर। स्किन ड्राई, स्केली यानी पपड़ीदार और ईची यानी खुजलीदार हो जाती है। बबल्स उठते हैं और फिर ऊजिंग होने लगती है। खुजली कम ज्यादा होती रहती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस वैसे तो अक्सर शिशुओं के सिर पर होता है, लेकिन ये शरीर के किसी भी एरिया में हो सकता है। क्योंकि एटोपिक डर्मेटाइटिस में बहुत खुजली होती है, शिशु खरोचने के लिए बिस्तर, कालीन और अन्य वस्तुओं से खुद को रगड़ते हैं। शिशु को सोने में परेशानी होती है, रगड़ने से इन्फेक्शन हो सकता है। चिड़चिड़ाहट होती है क्योंकि एटोपिक डर्मेटाइटिस डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। अब बात करते हैं बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। जब एटोपिक डर्मेटाइटिस 2 से 18 साल की उम्र के बीच शुरू होता है तो बच्चों में अक्सर ये लक्षण पाए जाते हैं। एक रैश जो अक्सर कोहनी या घुटनों की सिलवटों में शुरू होता है। रैश के डेवलप होने के दूसरे कॉमन एरियाज है गर्दन, कलाई, एंकल्स और क्रीजेस बिटवीन बटक्स एंड लेग्स। जहाँ पे रैश अपीयर होते हैं वहाँ खुजली होती है और स्केली पैच बन जाते हैं। समय के साथ एटोपिक डर्मेटाइटिस वाली त्वचा उबड़ खाबड़ हो सकती है और परमानेंट गूजबम्स की तरह दिखाई दे सकती है। जहाँ एटोपिक डर्मेटाइटिस हुआ होता है वहाँ का रंग हल्का या गहरा हो जाता है। त्वचा अपने आप को बार बार खरोचने से बचाने के लिए थिक और लेदरी हो जाती है। मोटी त्वचा पर गांठें डेवलप होने लगती है और उस पर हर समय खुजली आती है। रैश वाली त्वचा थोड़ी सूजी हुई होती है और फीकी पड़ जाती है। जो लोग गोरे होते हैं उनकी सूजी हुई त्वचा लाल दिखाई देती है। गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में त्वचा का रंग ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता है और ये सबटल ग्रे से लेकर वायलेट ब्राउन कलर का हो सकता है। त्वचा का रंग चाहे जैसा भी हो, रैश वाली स्किन आसपास की स्किन की तुलना में गर्म महसूस होती है। स्किन पे थोड़े उभरे हुए ड्राई और स्केली पैचेस दिखाई दे सकते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस के रैश त्वचा पर छोटे खुजली वाले स्पॉट्स डेवलप कर सकते हैं। खरोचने पर इन स्पॉट्स में से फ्लूइड निकल सकता है और फिर उस जगह पर पपड़ी बन सकती है। जिन लोगों की त्वचा गोरी होती है उन्हें लाल रंग के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। त्वचा का रंग यदि गहरा है तो स्पॉट्स ग्रे से वायलेट ब्राउन रंग के दिखते हैं। अब बात करते हैं एडल्ट्स में पाए जाने वाले सिम्टम्स के बारे में। कुछ लोगों को बचपन में ही एटोपिक डर्मेटाइटिस डेवलप हुआ होता है, वो बड़े होने पर भी रहता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक बार ठीक होने पर भी वर्षों बाद दोबारा हो सकता है। कई केसेस में एटोपिक डर्मेटाइटिस 18 वर्ष की आयु के बाद शुरू हो सकता है। एडल्ट्स में एटोपिक डर्मेटाइटिस के कम रैशेस होते हैं, उनमें एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है, उनकी त्वचा पैची और स्केली होती है, उनकी त्वचा आसानी से इरिटेट हो जाती है, उन्हें हैंड एक्जिमा होता है और उनमें आँखों की समस्या जैसे कि एक्जिमा ऑन आईलिड्स और कैटरेक्ट्स भी हो सकता है। यदि आपको वर्षों से एटोपिक डर्मेटाइटिस है
तो आपकी त्वचा के पैचेस परमानेंटली थिक हो सकते हैं और एक लेदरी टेक्सचर डेवलप कर सकते हैं। ऐसा वर्षों से खरोचने के कारण होता है। अफेक्टेड स्किन आसपास की त्वचा की तुलना में अधिक गहरी या हल्की दिखने लगती है। ये मोटी हो चुकी त्वचा में हर समय खुजली हो सकती है। एडल्ट्स में एटोपिक डर्मेटाइटिस अक्सर उनकी आंखों के आसपास होता है। आंखों के आसपास मोटी गहरी त्वचा दिखाई देती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस वाली इस त्वचा पे बहुत खुजली होती है। अब हम एटोपिक डर्मेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। यदि एटोपिक डर्मेटाइटिस को समय पर और ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो क्या हो सकता है? एटोपिक डर्मेटाइटिस के कारण होने वाले फ्लेयर्स कभी कभी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं या उनसे जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक ईची स्केली स्किन, न्यूरोडर्मेटाइटिस या लाइकेन सिंप्लेक्स क्रॉनिकस नामक स्किन कंडीशन ईची स्किन के पैच से शुरू होती है। आप उस जगह को खरोचते हैं जिससे वह जगह और भी खुजलीदार हो जाती है। आखिरकार आपको खरोचने की आदत पड़ सकती है। इस स्थिति के कारण अफेक्टेड स्किन फीकी पड़ सकती है, थिक और लेदरी भी हो सकती है। कभी कभी त्वचा खुल जाती है और फ्लूइड लीक होने लगता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है स्किन इन्फेक्शंस। बार बार खरोचने से त्वचा ब्रेक हो जाती है, जिससे ओपन सोर्स और क्रैक्स हो सकते हैं। इससे बैक्टीरिया और वायरसेस जैसे कि हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस जैसे इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हे फीवर एंड एस्थमा। एक्जिमा कभी कभी इन स्थितियों से पहले होता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले आधे से ज्यादा छोटे बच्चे 13 साल की उम्र तक एस्थमा और हे फीवर डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है स्लीप प्रॉब्लम्स। एटोपिक डर्मेटाइटिस में तेज खुजली होना आम बात है। रैशेस दिखाई देने से पहले ही खुजली शुरू हो सकती है। खुजली आमतौर पर रात में ज्यादा होती है जब पेशेंट बिस्तर पर जाता है। ईच स्क्रैच साइकिल के कारण नींद खराब हो सकती है, जिससे मूड कंसंट्रेशन और बिहेवियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगला कॉम्प्लिकेशन है फीलिंग ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन एंड आइसोलेशन। डिप्रेशन और एंजाइटी अक्सर खुजली पेनफुल स्किन और नींद की समस्या के कारण होती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले लोग ये भी कह सकते हैं कि जब दूसरे लोग उनके एटोपिक डर्मेटाइटिस को नोटिस करते हैं तो वे सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और कभी कभी शर्मिंदा महसूस करते हैं। आइए अब देखते हैं कि एटोपिक डर्मेटाइटिस को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। ये क्लियर नहीं है कि क्यों कुछ लोगों को एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है और इसीलिए इसे डेवलप होने से रोकने का करंटली कोई तरीका पता नहीं है। लेकिन अपने ट्रिगर्स को पहचानकर और अपनी त्वचा की अच्छी देखभाल करके आप एटोपिक डर्मेटाइटिस के फ्लेयर अप की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रिगर्स को अवॉइड करें। पता लगाएं कि आपकी स्किन प्रॉब्लम्स का क्या कारण है और उन ट्रिगर्स से बचने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ साबुन या कपड़ों से रैशेज होने लगते हैं तो उनका इस्तेमाल बंद कर दें। सिगरेट स्मोक, एनिमल डंडर और पोलन से बचने की कोशिश करें यदि वे आपकी त्वचा को खराब करते हैं। आपको बहुत चौकस रहना होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है टेकिंग गुड केयर ऑफ योर स्किन। आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज्ड बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छा चॉइस है मोटी क्रीम या मलहम जिनमें थोड़ा पानी होता है। जैसे ही आप नहा के बाहर निकलते हैं तुरंत ही अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, क्योंकि आपकी स्किन तभी थोड़ी गीली होती है। नेक्स्ट, टेक शॉर्टर शावर्स एंड बाथ्स। नहाने का समय 10 मिनट तक सीमित रखें और गर्म पानी की बजाय गुनगुने पानी का उपयोग करें। यूज जेंटल सोप्स। अपनी त्वचा पर केवल माइल्ड सोप्स का प्रयोग करें। डिओड्रेंट्स या एंटीबैक्टीरियल सोप्स में ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी त्वचा को ड्राई कर सकते हैं। अगला प्रिवेंशन मेथड है डोंट स्क्रैच योर स्किन। खुजली वाली क्षेत्रों को खरोचने के बजाय उन पर दबाव डालने की कोशिश करें और अपने नाखूनों को काट कर रखें। बच्चों के केस में आप उन्हें रात में दस्ताने पहना सकते हैं ताकि वे सोते समय खरोच से बच सके। ढीले कपड़े पहने जो आपकी त्वचा को परेशान ना करें। ढीले ढाले कपड़े आपकी त्वचा पर नहीं रगड़ेंगे और वे आपको पसीने से भी बचा सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रिवेंशन के मेथड्स एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए।
चलिए अब हम एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज पर चर्चा करें। होम्योपैथी में एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए कई रेमेडीज हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाली 5 रेमेडीज पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट इज एंटिम क्रूड। इसमें स्किन ड्राई होती है, खुजली स्पेसिफिकली नेक, चेस्ट, बैक एंड लिप्स पे आती है। खुजली बिस्तर की गर्मी के कारण होती है, जिससे फिर नींद नहीं आती। थिक हार्ड स्कैब्स बन जाते हैं जो हनी येलो कलर के होते हैं। कई जगहों पर क्रैक्स होते हैं जिसमें ग्रीन सैनियस फ्लूइड निकलता है, और फिर ऐसी जलन होती है जैसे कि गर्म अंगारे में डुबा दिया हो। एक्जिमा के साथ गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स होते हैं। पेशेंट ठंडे पानी से नहाने के प्रति सेंसिटिव होता है। कंप्लेंट्स बिस्तर की गर्मी और ठंडे पानी से नहाने से बढ़ जाती है। कंप्लेंट्स रात में और छूने से एग्रेवेट होते हैं। ओपन एयर में और मॉइस्ट वार्म्थ में कंप्लेंट्स बेहतर रहते हैं। सेकेंड रेमेडी है ग्राफाइटिस। ये सभी प्रकार के स्किन इरप्शंस के लिए एक बेहतरीन दवाई। इसमें स्किन रफ और हार्ड होती है, और कुछ हिस्सों में परसिस्टेंट ड्राइनेस होता है। स्किन में ऑब्स्टिनेट ड्राइनेस होता है और पसीना नहीं आता। स्किन पे खुजली होती है, फिर उसमें जलन और ऊजिंग होने लगती है। खुजली शाम को और रात में आती है। कुछ जगहों पर रॉनेस पाया जाता है, जैसे कि बेंड्स ऑफ लिम्स पे, ग्रॉइंस पे, नेक पे और कान के पीछे। स्किन अनहेल्दी होती है, हर छोटी सी चोट पक जाती है, उसमें से एक गाढ़ा शहद जैसा चिपचिपा फ्लूइड निकलता है। स्किन अफेक्शंस रात में बिस्तर की गर्मी से और मौसम बदलने पर बढ़ जाते हैं, और खुली हवा में रैपिंग से और अंधेरे में कम हो जाते हैं। थर्ड रेमेडी है मिजेरियम। स्किन अफेक्शंस के लिए मिजेरियम एक एक्सीलेंट रेमेडी है। एक्जिमा में इनटॉलरेबल इचिंग होती है, फॉलोड बाय ऊजिंग ऑफ कॉपियस सीरस एक्सुडेशंस। तेज खुजली के साथ लाल रैशेस हो जाते हैं, इसके बाद उनमें जलन होती है और खरोचने के बाद रैशेस की जगह बदल जाती है। कभी कभी खरोच वाले हिस्से में सूजन आ जाती है। कॉमनली स्काल पे अफेक्शन होता है। सिर थिक लेदर लाइक क्रस्ट से कवर हो चुका होता है। कंप्लेंट्स रात में बिस्तर पर छूने से और ठंडी हवा से बढ़ जाते हैं, और खुली हवा में कम हो जाते हैं। फोर्थ रेमेडी इज पेट्रोलियम। एक्जिमा स्पेसिफिकली स्काल्प और ऑक्सीपुट पे होता है। स्किन ड्राई, रफ, रैग्ड, कॉन्स्ट्रिक्टेड और क्रैक्ड होती है। पूरे शरीर पे या अफेक्टेड एरिया में क्रैक्स और फिशर्स पड़ जाते हैं। तेज खुजली के बाद जलन होती है। पेशेंट तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक कि वो इचिंग वाली जगह को खरोच ना दे, और फिर वो भाग मॉइस्ट, ब्लडी, रॉ और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। जरा सी खरोच से स्किन सुपुरेट हो जाती है। अफेक्टेड एरिया में से थिन वाटरी फ्लूइड निकलता है और थिक ग्रीनिश क्रस्ट फॉर्म होता है। अफेक्टेड स्किन लेदरी हो जाती है। कंप्लेंट्स नमी से, आंधी तूफान से पहले और उसके दौरान, और सर्दियों में बढ़ जाते हैं, और कंप्लेंट्स गर्मियों में गर्म हवा से और ड्राई वेदर से बेहतर होते हैं। फाइनली फिफ्थ रेमेडी, दैट इज सल्फर। सल्फर सभी प्रकार के स्किन इरप्शंस में इंडिकेटेड होती है। स्किन ड्राई, स्केली और अनहेल्दी होती है। स्किन डर्टी और फिल्दी दिखती है, और स्किन में से फिल्दी ओडर भी आती है। तेज खुजली होती है और पेशेंट खुजालता रहता है। रोगी को खरोचने से बेहतर लगता है, लेकिन खुजालने के बाद सीवियर बर्निंग, ब्लीडिंग, रॉनेस और सोरनेस होता है। हर छोटी छोटी चोट पक जाती है। कंप्लेंट्स बिस्तर की गर्माहट, वॉशिंग से, कवरिंग से और रात के समय बढ़ जाती है। कंप्लेंट्स खुली हवा में और पैरों को बिस्तर से बाहर रखने में कम होती है। तो दोस्तों, ये थी एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Thanks for watching. Bye.